बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह है असूस का जेनफोन मैक्स प्रो M2 और यह है शॉमी का रेडमी नोट 6 प्रो और ये दोनों फोन काफी कमाल की कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं, तो नो डाउट दोनों फोन्स काफी बढ़िया फोन हैं। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि इन दोनों फोन्स का रेडिएशन पैटर्न कैसा है, मतलब कि कौन सा फोन कितना रेडिएट करता है। आइए दोस्तों इसको चेक करते हैं। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो यहाँ पर Asus Zenfone Max Pro M2 का SAR है 0.347 वाट पर केजी, आप यहां पर पढ़ सकते हो, जबकि इस फोन का है 1.048 वाट पर केजी। आइए दोस्तों हम लोग इसको रियल टाइम में चेक कर लेते हैं, मतलब कि कौन सा फोन कितना रेडिएट कर रहा है इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए मैं अपना एक मल्टी फंक्शन EMF टेस्टर यूज कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको ऑन करते हैं और यहाँ पर मैं पहले तो इन दोनों फोन्स को डाल देता हूँ एयरप्लेन मोड पर, और एयरप्लेन मोड पर दोनों फोन्स इस समय चला चुके हैं एयरप्लेन मोड पर। आइए इन दोनों को साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि नॉर्मली एम्बिएंट के सिग्नल कितने हैं। तो यहाँ पर -19 -22 के करीबन ये दिखा रहा है। आइए सबसे पहले चेक करते हैं जेनफोन मैक्स प्रो M2 को। तो यहाँ पर दो जो पॉइंट्स होते हैं ऊपर और नीचे की साइड को, यहाँ से मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा रेडिएट करता है, तो यहाँ पर एम्बिएंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आइए पीछे से भी देख लेते हैं, अगर असूस का जेनफोन मैक्स प्रो M2 एयरप्लेन मोड में होगा तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको देखने में। आइए अब शॉमी रेडमी नोट 6 प्रो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एयरप्लेन मोड में दोनों ही फोन्स कुछ भी रेडिएट नहीं कर रहे हैं, ये तो अब कंफर्म हो चुका है। आइए दोस्तों अब मैं इस फ़ोन पर नॉर्मली एयरप्लेन मोड को ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पर जियो की सिम इस फोन में डली हुई है, और यहाँ पर डाटा वाईफाई ब्लूटूथ इन सभी को बंद करते हुए अब चेक करते हैं कि ये फ़ोन कितना रेडिएट कर रहा है। तो इस समय दोस्तों ये फ़ोन नीचे से कुछ भी रेडिएट नहीं कर रहा है, ऊपर से दोस्तों थोड़ा सा लग रहा था कि बड़ा है, बट ये अब नॉर्मल हो गया है। पीछे से देख लेते हैं, पीछे से -18 है और यहाँ पर -21। तो ये फ़ोन नॉर्मली अगर वाईफाई ब्लूटूथ GPS सभी ऑफ रहे हैं तो ये कुछ रेडिएट नहीं करता है। आइए अब देखते हैं Xiaomi Redmi Note 6 Pro को। तो मैं यहाँ पर एयरप्लेन मोड को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर ब्लूटूथ वाईफाई और मोबाइल डाटा कनेक्शन को ऑफ करते हुए इसको चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पीछे से, कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा स्टेबल होने देते हैं। नहीं, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा रेडिएट कर रहा है, -9 चला गया, -9 मतलब कि ज़्यादा रेडिएशन है एज़ कम्पेयर टू -18। और आगे से देखते हैं कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ से देखते हैं -17। तो दोस्तों थोड़ा सा Xiaomi का Redmi Note 6 Pro यहाँ से रेडिएट कर रहा है, जबकि इस फ़ोन में अभी ना ही डाटा ऑन है, ना ही वाईफाई ऑन है, ना ही ब्लूटूथ ऑन है। आइए दोस्तों अब ब्लूटूथ को सबसे पहले ऑन करते हैं। तो मैंने ब्लूटूथ ऑन कर दिया है, आइए देखते हैं कि ब्लूटूथ जब ऑन हो जाता है तो फ़ोन कितना रेडिएट करता है। यहाँ से अभी भी एम्बिएंट के बराबर ही है, थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर अभी भी बड़ा हुआ दिख रहा है, -15 -11 दिखा रहा था, और यहाँ पर देखा जाए ठीक है, सेफ्टी लिमिट्स में आ रहा है। आइए अब जेनफोन मैक्स प्रो में ब्लूटूथ को ऑन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ ऑन कर रहा हूँ, कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी डिवाइस से, -15 ही रहा है, यहाँ पर -14 कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, -17 और यहाँ पर -18। तो जेनफोन मैक्स प्रो M2 में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है जब ब्लूटूथ ऑन हो जाती है, जबकि थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है Xiaomi के Redmi Note 6 Pro में। आइए दोस्तों अब ऑन करते हैं वाईफाई को, और वाईफाई को मैंने कनेक्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ ब्राउजिंग कर लेता हूँ, जैसे कि इसी को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं, तो इस समय फ़ोन रेडिएट करने लग गया है, 0 पर पहुँचा था, अब -14 पर पहुँच गया है। चलिए दोस्तों कुछ ब्राउजिंग को और आगे बढ़ाते हैं। तो ब्राउजिंग के दौरान देख सकते हो जो सिग्नल है वो यहाँ से कुछ बढ़ रहे हैं। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिग्नल बढ़ रहे हैं। आइए ब्राउजिंग करते हैं, तो ऊपर से दोस्तों वाईफाई ब्राउजिंग में 7 dBm के करीबन सिग्नल चले जा रहे हैं। आइए कुछ ओपन करके देखते हैं, नीचे मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए ऊपर से सिग्नल बढ़ रहे हैं, 6 dBm तक गए हैं, नीचे से कुछ नहीं बढ़ रहे हैं ऊपर से। चलिए कुछ ब्राउजिंग पर डालते हैं, तो ऊपर से डेफिनेटली 13 dBm तक जा रहा है, 16 dBm तक भी चला गया है। तो डेफिनेटली ये फ़ोन वाईफाई ब्राउजिंग में करीबन 10 से 16 dBm तक ऊपर से रेडिएट करता है। चलिए ये तो कंफर्म हो गया, आइए इसका वाईफाई बंद कर देते हैं। अब दोस्तों चेक करते हैं
Xiaomi Redmi Note 6 Pro को, तो यहाँ पर मैंने वाईफाई ऑन कर दिया है। उसके बाद इस फोन पर भी कुछ साइट्स को ओपन कर देते हैं। अब मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, तो देखते हैं। नीचे से दोस्तों ये फोन रेडिएट करने लग गया है, 0 dBm तक चला गया, देख लीजिए। तो यहाँ पर रेडिएशन Xiaomi के फोन में नीचे से बढ़ रही है, जबकि Asus के फोन में वाईफाई ब्राउजिंग में ऊपर से बढ़ रही है। यहाँ पर दोस्तों Xiaomi के फोन में ऊपर से भी बढ़ रही है, आप देख लीजिए, और ये 13 dBm तक पहुँच चुका है। यहाँ पर एक बार आगे ब्राउजिंग करते हैं तो नीचे से भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर Xiaomi का ये फ़ोन थोड़ा सा रेडिएशन के मामले में ज़्यादा कर रहा है। जब वाईफाई ऑन हो जाता है, सेफ्टी लिमिट से ऊपर जा रहा है, तभी ये जो डिवाइस है ये बीप कर रहा है। यहाँ पर नीचे से भी ये बीप करा रहा है और ऊपर से बीप करा रहा है, तो डेफिनेटली ये फ़ोन वाईफाई के मामले में ज़्यादा रेडिएट करता है। एक बार मैं आपको फिर से Asus ZenFone को दिखा देता हूँ। तो Asus ZenFone पर मैं वापस चलता हूँ ब्राउजिंग पर, वाईफाई इस समय ऑन है, और इसके बाद ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, नीचे से ये ज़्यादा रेडिएट नहीं करता है वाईफाई के ब्राउजिंग के दौरान। एक बार मैं आपको ब्राउजिंग भी करके दिखा देता हूँ। नीचे से ये रेडिएट नहीं करता, जबकि ऊपर से ये रेडिएट करता है। तो यहाँ पर रेडिएशन जो हो रहा है वाईफाई ब्राउजिंग में Asus ZenFone Max Pro में, ये ऊपर से हो रहा है, जबकि Xiaomi में ये ऊपर नीचे दोनों से हो रहा है, और यहाँ पर सेफ्टी लिमिट से ये बाहर जा रहा है। आइए दोस्तों, अब वाईफाई को बंद कर देते हैं और चलते हैं 3G या 4G, जिस पर भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जियो की सिम दोनों फ़ोन्स पर मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि 3G 4G में ये फ़ोन कितना रेडिएट करता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ Redmi Note 6 Pro को। तो देखते हैं दोस्तों, ब्राउजिंग पर लगाते हैं। तो पहले तो किसी साइट को ओपन करते हैं, तो नीचे से करीबन ये 5 dBm 3 dBm तक दिखा रहा है। आइए ऊपर से देख लेते हैं, ब्राउजिंग फिर से करते हैं। ऊपर से 9 dBm तक जा रहा है, 11 पे चला गया। पीछे से देखते हैं तो यहाँ पर फिर से ब्राउजिंग करते हैं। इस समय दोस्तों वाईफाई बंद है, नीचे से 1 dBm तक गया था, ब्राउजिंग शायद बंद हो गई होगी। आइए ब्राउजिंग ऑन करते हैं, तो ठीक है। और ऊपर से 7 dBm 2 dBm तक जा रहा है। तो यहाँ पर Xiaomi का ये फ़ोन 3G में उतना रेडिएट नहीं कर रहा जितना कि दोस्तों ये वाईफाई में रेडिएट कर रहा था। यहाँ पर अभी भी ऊपर और नीचे से ये रेडिएट कर रहा है, अराउंड 5-6 dBm तक ये रेडिएट कर रहा है, जबकि वाईफाई में ये काफ़ी ज़्यादा रेडिएट कर रहा था। आइए दोस्तों, आप देखते हैं Asus ZenFone Max Pro M2 को। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोन पर वाईफाई को कर देता हूँ बंद, और 4G 3G जो भी यहाँ पर ऑन होता है उसको ऑन कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों चेक करता हूँ रेडिएशन पैटर्न को। तो यहाँ पर इलेक्शन बूथ, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं नीचे से, तो नीचे से 4 dBm तक गया है, 7 dBm तक जा चुका है, मतलब सेफ्टी लिमिट से ऊपर है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर अभी चलते हैं ब्राउजिंग पर, ऊपर से नहीं गया, देख लीजिए दोस्तों नहीं गया। फिर से चलते हैं ब्राउजिंग पर, पीछे से देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं गया। और किसी और न्यूज़ को खोल के देख लेते हैं पीछे से, तो यहाँ पर डेफिनेटली जा रहा है। तो दोस्तों Asus का ZenFone Max Pro M2 3G 4G में बस नीचे से रेडिएट कर रहा है, जबकि Redmi Note 6 Pro नीचे और ऊपर दोनों से रेडिएट कर रहा है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि Asus का ZenFone Max Pro ब्लूटूथ के मामले में थोड़ा सा पीछे रहेगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ही मार्जिनली पीछे था। बाकी 3G 4G और वाईफाई में काफ़ी कम रेडिएट करता है, एक ही डायरेक्शन से रेडिएट करता है, जबकि ये फ़ोन दोनों, मतलब ऊपर और नीचे दोनों से रेडिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेडिएशन वाइज मैं कहूँगा कि Asus का ZenFone Max Pro M2 बढ़िया है एज कम्पेयर टू Xiaomi Redmi Note 6 Pro। आइए दोस्तों आप कॉलिंग को दौरान देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कस्टमर केयर का नंबर कॉल कर रहा हूँ ZenFone Max Pro M2 से, और देखते हैं नीचे से कुछ रेडिएशन नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर से देखते हैं, ऊपर से भी काफ़ी बढ़िया दोस्तों। नीचे से एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं है, पीछे से भी कुछ नहीं है, ऊपर से भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों डेफिनेटली इसका तो कोई रेडिएशन नहीं मिला। आइए अब Redmi Note 6 Pro को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 198 को मैं यहाँ पर फिर से कॉल कर देता हूँ। आइए अब Redmi Note 6 Pro को देखते हैं। तो कॉल कनेक्ट हो चुकी है, नीचे से कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऊपर से। दोस्तों ये बहुत गलत बात है, कॉलिंग के दौरान हमारा जो कान होता है वो यहीं पर होता है, और यहाँ पर अगर रेडिएशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली गड़बड़ है। तो यहाँ पर जो SAR ज़्यादा बताया जा रहा था इस फ़ोन का, वो दोस्तों सच में ज़्यादा है। यहाँ पर दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो EMF टेस्टर है ये बता रहा है। ऑल्दो आपको लगता होगा कि ये EMF टेस्टर कैलिब्रेटेड ना हो, पर दोस्तों यहाँ पर मैं दो फोन्स को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, तो कंपैरिजन में जो आपने देखा वो तो सही देखा कि यहाँ पर Xiaomi का Redmi Note 6 Pro ज़्यादा रेडिएट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू Asus ZenFone Max Pro M2।
तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि वाईफाई, ब्लूटूथ, डाटा कनेक्शन और कॉलिंग के दौरान कौन सा फोन कितना रेडिएट करता है और कहाँ से रेडिएट करता है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है इस वीडियो को लेकर या फिर इस टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे ज़्यादा रेडिएट करता है और कहाँ से रेडिएट करता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।